हे भगवान, मेरा पार्टी रूम, इसकी इतनी गंदी हालत, ये सब किसने किया? क्या ये मेरा है? ध्यान से सुनो, ये कितना शानदार दिन है, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं बेंबेलिना। हे लेडीज, बैन बैन को क्या हुआ? इसका मर्डर हो गया। बेचारा बैन बैन, अपने बर्थडे पर ही मौत हो गई। बुरी किस्मत। हे रुको सलीन, स्पीडिंग के लिए तुम्हें फाइन देना होगा। स्पीडिंग? क्यों? टिस्क टिस्क टिस्क, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत यंग था, अभी उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी। हे दोस्तों, हे बैन बैन, चुप हो जाओ। लड़कियों देखो ये कौन है। हे बैन बैन, हाँ ये मैं हूँ। तुम्हारी तो मौत हो चुकी है, क्या तुम घोस्ट हो? ये सब कैसे हुआ? अब मैं कैसे बताऊँ? सोचने दो, मुझ पर निंजस ने अटैक किया था, मैं उनसे किसी हीरो की तरह लड़ा, लेकिन मैं अकेला था। निंजस? हाँ बिल्कुल, कोई मेटेरॉइड भी हो सकता है, वो सीधा मुझ पर गिरा। बैंग, मेरे सर पर एक मेटियोराइड। क्या सच में अर्थ पर एक भी मेटियोराइड नहीं है? वो मेटियोराइड तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर मुझे नहीं पता। चल, डिटेक्टिव बेंबेलिना इस केस को अपने हाथ में ले रही है। पहला सबूत, दूसरा सबूत, तीसरा सबूत, ये मेरा है, शुक्रिया, मैंने इसे कहां कहां नहीं ढूंढा। चौथा सबूत, मिस्टीरियस नेल स्लाइम, छी। खैर चलो देखें कौन कौन शक के घेरे में है, जो कि हम सब हैं। ये तुमने किया है? नहीं, तुमने। लाइट डिटेक्टर की मदद से क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कौन कर सकता है? किटीसॉरस, शेफ, फिक्स्चर या फिर स्लो स्लीन? कमेंट करके बताएं। ये काफी दिलचस्प चीज है, ये घूमता भी है। हे, सबसे पहले तुम्हारी बारी है, बैठो। मेरी? लेडीज फर्स्ट। मैं? शुक्रिया लेकिन नहीं, मैं इसके बाद जाऊंगा। जल्दी से बैठो, मैं अभी आया। ठीक है, मुझे बैठना ही होगा। इस डिवाइस को पहनो। उसे छोड़ो, इसे पहन लो। ठीक है, क्या वो मर्डर तुमने किया है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? लैंप को बंद करो। क्या? मैं एक नैप लेना चाहता हूँ। हे उठो, तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक है मैं बताता हूँ, पूरे दिन मैंने अपना काम किया, जैसे डांस करना, सूप बनाना। झूठ, तुम गिल्टी हो। ओ, स्वीटी ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, शुक्रिया। सब सच सच बताओ, ठीक है? बात ये है कि मुझे सारे दिन केक खाने का मन कर रहा था, मुझे केक चाहिए। केक, केक, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे केक चाहिए, केक, केक, केक। लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा? बैन बैन के बर्थडे में अभी 7 घंटे बचे हैं, मैं तब तक नहीं रुक सकता हूँ। ओह, ये रहा मेरा ड्रीम केक। इधर आओ। आउच, डैडी के पास जाओ। प्रीशियस, मैंने केक चुराया है और यही सच है। अरे यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक पिग हो, मुझे माफ कर दो। दोस्तों क्या मुझे शेफ फिक्स्चर को माफ कर देना चाहिए? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे माफ कर दो, ये बहुत शर्म की बात है। बैन बैन, कमेंट्स देखो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, आपका भी शुक्रिया। शेफ पिक्चर बेगुनाह है। किटीसॉरस, तुम क्या छिपा रही हो?
डिटेक्टर पहनो और बताओ। खैर ये रही बॉडी। उप्स, ये मेरी पर्सनल है। ओ ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, पूरा दिन मैं काउच पर आराम कर रही थी। मैंने अपना फेस साफ किया, दूध पिया, गड़बड़ हो गई, तो मैंने पूरे दिन ये सब किया। ओ नहीं, झूठी, गिल्टी। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। ठीक है मैं सच बताती हूँ, तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरा फेवरेट बॉल गिर गया, मैं उसके पीछे गई, वो बैन बैन के रूम में चला गया, मैंने वही खेलना शुरू कर दिया और गलती से मैंने सब कुछ फैला दिया। मुझे माफ कर दो। ठीक है तुम बेकसूर हो, ये अच्छा है, अब अगली तुम हो। मैं ठीक है, आ रही हूँ। उसे थोड़ा जल्दी करना चाहिए, ये एनर्जी ड्रिंक पी लो, इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। उसने एनर्जी ड्रिंक लेने से मना कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ। हे सिली, स्निकर्स खा लो, मुझे पीनट्स पसंद नहीं है। मैं पहुँचने वाली हूँ। हे डिटेक्टिव, तुम आ गई। डिटेक्टर पहनो और फिर बताओ। खैर मैं बहुत तेज भाग रही थी। ठीक है मैं हमेशा की तरह चल रही थी। मैं गोट के साथ बैन बैन के बर्थडे पार्टी के लिए क्रॉल कर रही थी और तभी मैंने बैन बैन और बैन मिलीना को हंसते खेलते हुए ऑफिस में जाते हुए देखा। एव, ये लोग भी ना। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। लाई डिटेक्टर के हिसाब से ये सच है। ठीक है मुझसे गलती हुई, तो मैं उस हॉल की तरफ क्रॉल करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, अभी भी। चलो तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएं। आखिरकार मैं पहुंच गई बिल्कुल सही समय पर। कारपेट पर तुम्हारा स्लाइम कैसे आया? जब मैं पहुंची तो वो वही था। ऐसा लगता है तुमने कुछ नहीं किया है। खैर सस्पेक्ट्स के बीच क्या कनेक्शन है? उनके फोटोज, एविडेंस। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैन बैन, ये तुम्हारे लिए है, तुम बहुत अच्छी हो, माफ करना मैं बस अभी आया। क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए अब सिर्फ तुम बची हो? हाँ बिल्कुल। खैर उस दिन मैं हाँ बिल्कुल, मैं डिटेक्टर पहनना भूल गई। खैर उस दिन मैं अपनी टीचिंग का काम कर रही थी, मैं टेस्ट चेक कर रही थी और उप्स, तुम मर्डरर हो। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, सच ये है कि बैन बैन और मैं अकेले में डांस और मजे कर रहे थे और उसने किस करने के लिए मेरे ग्लासेस को निकाला, लेकिन हमें बीच में ही रुकना पड़ा, हमारा रोमांस वहीं रुक गया। कितना प्यारा कपल है, बहुत प्यारा है। पेपर कहाँ है? मेरा आज का दिन ही खराब है। बैन बैन और बैन बेलिना एक पेड़ के नीचे बैठे और KISSING। दोस्तों याद आया? क्या क्या याद आया? मुझे याद आया कि मेरे पास सिक्योरिटी कैमरा था, ये रहा। हम देख सकते हैं कि मुझे किसने मारा। जल्दी करो, चलो फुटेज देखें। वो कौन है? जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, और वॉशरूम जाना होगा। एक मिनट, ये देखो मैंने ढूंढ लिया, ये बैन बैन है और ये डिस्को बॉल है, तो ये अटैकर है। ये शायद अभी भी जिंदा हो, सिर्फ बेहोश हुआ हो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी आओ। डॉक्टर, बैन बैन को बचाओ, मैं इसे बचा लूंगा। ये
टायर्ड। मेरा बेटा। डैड, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। डैडी, उठ भी जाओ, हम तुम्हें जिंदा करके ही रहेंगे। डैड, माफ करना बेटा, मुझे जाना होगा। क्या? चलो भी, बैन बैन, उठ भी जाओ। मेरी बॉडी, आ रहा हूँ, बढ़िया, मैं जिंदा हूँ। अरे तुम, हटो, जाने दो। हे दोस्तों, बैन बैन, तुम जिंदा हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिर से हम सब साथ हैं। हे, तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना है। वाह, बढ़िया, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हैप्पी बर्थडे ओपेलिया। हैप्पी बर्थडे। अब गिफ्ट्स मिलेंगे, ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। और मेरा बर्थडे केक मैं खाती हूँ। ये हैप्पी बर्थडे। ओ, ओ, हाँ, आ, ये मर गई। अब हम क्या करें? क्या? दोस्तों, मैं 911 पर कॉल करता हूँ। पुलिस, उठाओ, यहाँ एक बॉडी है। ठीक है, एव, किसी को ब्रश करना चाहिए। हमें कुछ करना होगा। ओपेलिया साफ तौर पर मर चुकी है। यहाँ रिबन है, इसी की जरूरत थी। हाँ, ठीक है, तुम बेवकूफ हो, ये क्राइम सीन के लिए है। हम क्या करें? क्या? ओह, मेरे पास चौक है। हाँ, अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे दो। ऐसे करते हैं, अब ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे दो, कोई भी कुछ भी सही से नहीं कर सकता। हमारी विक्टिम यहाँ है। दोस्तों, इसे देखो, एविडेंस नंबर। ये रहे आपके ऑर्डर्स, मजे से खाओ। ओह, खाना, आखिरकार। हमें क्या करना चाहिए? क्या? ये शक के घेरे में है। इनमें से एक मर्डरर है। हे दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि आप पिला बर्ड को किसने मारा होगा। प्लीज हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। ये कितनी बुरी पिक्चर है, ये वाली बेहतर है, बहुत सुंदर है, मुझे ये पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी, और मुझे भी। हाँ, जरूर वहम होगा, तो टेबल को साफ करो। पूछताछ शुरू करते हैं। तुम? नहीं, तुम जाओ। मैं? हाँ, स्लो स्लीन से पूछताछ करते हैं। आ रही हूँ। हे भगवान, कितनी स्लो है। मैंने अपनी बुक पढ़कर खत्म कर दी, ये अभी भी नहीं पहुँची। ठीक से बैठ नहीं पा रही। अगर मैं केक खा लूं तो कैसा रहेगा? हिम्मत भी मत करना, ये जहरीला है। अच्छा किया, बहुत देर हो गई। लाई डिटेक्टर को पहनो। मैं जानना चाहता हूँ कि मर्डर वाले दिन तुम क्या कर रही थी। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैं उस दिन जल्दी उठी थी, हमेशा की तरह। मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और अपनी बेस्टी ओपेलिया के लिए स्पेशल गिफ्ट को ऑर्डर किया। ये क्या है? क्या हो रहा है? झूठ, झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। हमारे कान, क्या
तुम इसे बंद कर सकते हो? सच बोलो, इस मर्डर के पीछे तुम हो, मान लो। ठीक है, मैं सच बताती हूँ। असल में उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैंने कोई अलार्म नहीं सुना। ब्रेकफास्ट में मैंने बर्गर खाए, साथ में सोडा भी था। उसके बाद मैंने ओफेलिया को कॉल किया और उसने मेरा कॉल काट दिया। क्या उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? अब हम दोस्त नहीं है, कितना बुरा हुआ। मैं कूड़े के ढेर से गिफ्ट लेने के लिए गई। चलो देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। आपको क्या लगता है सेलिन कौन सा गिफ्ट चुनेगी? चिकन विंग्स, केज या रोप? नीचे कमेंट करें। केज लेते हैं, वैसे भी वो एक बर्ड है। असल में यही हुआ था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, अब तुम पर शक नहीं है। बाल बाल बची, अब तुम जा सकती हो। शुक्रिया। ओप्स, दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। बाहर आओ, बस हो गया। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्स्टर बैठो, अब तुम्हारी बारी है। मैं बिल्कुल। एओ, सेलिन की स्लाइम हर जगह फैल गई है। छी, मुझे बताओ तुम उस दिन क्या कर रहे थे? बहुत ब्राइट है, अब काफी बेहतर है। शुक्रिया। ओह, छोड़ो इसे। बताओ, जैसे कि मैं एक पिक्स्टर हूँ, मैं अजीब कमरे में गंदे कपड़ों के ढेर से उठा। मैंने अपना मिट्टी का जार उठाया और खुद को लगाया। आवाज कम करो। शुक्रिया। झूठ, तुमने क्राइम किया है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। रुको, मुझे सब कुछ बताने दो, मुझे एक सेकंड दो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ओप्स, अब ये काफी नहीं है, मेरे बर्गर को गर्म करने के लिए इतना समय काफी है। खैर पिक्स्टर, आगे बताओ। असल में ऐसा हुआ था, मैं शानदार कमरे में उठा था, नहाया, टीथ ब्रश किए और अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाया, मजेदार ब्रेकफास्ट बनाया, और फिर मैंने मजे लेकर खाने के लिए अपना मनपसंद म्यूजिक लगाया। बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैंने अच्छा सा केक बनाया और पिलिया ने उसे ले लिया। शुक्रिया पिक्स्टर, बाय। आहा, केक में पॉइजन तुमने मिलाया? नहीं नहीं नहीं, इसी ने किया है, इतनी जल्दी फैसला मत लो। ऑपेलिया के पास दूसरा केक था। खैर डिटेक्टर के हिसाब से तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तुम निर्दोष हो। माफ करना पिक्स्टर, मेरा नाम अब कैंसिल हो गया। दोस्त प्लीज बैठो। चाय? शुक्रिया, चिंता मत करो, मैं यही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तो बताओ उस दिन तुमने क्या किया? उस सुबह मैंने शानदार क्लास ली हमेशा की तरह। उसके बाद मैंने सभी टेस्ट को चेक किया और पिलिया ने मुझे एप्पल दिया। तुम कितनी अच्छी हो। स्कूल के बाद मैंने योगा और मेडिटेशन किया और उसके बाद मैंने ऑफेलिया के बर्थडे बैच में जाने तक बुक को पढ़ा। ये तुम हो मर्डरर? बहुत हुआ बैन बलीना। हे भगवान, अपनी आंखें ठीक करो। तुम ऑफेलिया को पॉइजन कैसे दे सकती हो? ठीक है, मैं सच बताती हूँ, मैंने क्लास में कार्डबोर्ड डमी और रिकॉर्डिंग को लगा दिया। क्लास में होने की जगह मैं डेस्क के नीचे सो रही थी। मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। टेस्ट को चेक करते वक्त गलती से टेस्ट पर कॉफी गिर गई। एओ, पेपर्स खराब हो गए, ये बुरा हुआ। क्या ये हमारे टेस्ट पेपर्स हैं? तुमने इसे खराब कर दिया, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? चिकन,
इसलिए तुमने ऐसा किया। गुनेगार, सुनकर बुरा लगा लेकिन ये सच है। इसे अरेस्ट करो। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। दोस्तों इस वीडियो को 50,000 लाइक्स दे जिससे ये मुझे छोड़ दे। बाद में ऐसा हुआ, मैंने ओपिलिया से माफी मांगी, हमने बात सुलझाकर दोस्ती कर ली। अच्छा है, बेकसूर है, माफ करना। अगर ये बैन बलीना नहीं है, सेलीन भी नहीं है, ना ही पिक्स्टर है, तो अब हमारे पास बचे तुम। सच सच बताओ। मैं सच सच बताता हूँ, मैं हमेशा की तरह हॉल से जा रहा था, तभी मुझे मेरे लॉयल फैंस मिल गए। ये हमारे प्यारे प्रिंसिपल हैं। क्या हमें आपके सिग्नेचर मिल सकते हैं? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। कॉफी? ओह शुक्रिया स्वीटी। तुम मर्डरर हो, ये बातें नहीं बताई जाती। ठीक है, मैंने झूठ बोला, असल में ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों मैं यहाँ हूँ। हेलो, कोई भी कॉलेज में मुझ पर ध्यान नहीं देता। बैन बलीना ने मुझ पर कॉफी गिरा दी। तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो? रुको, मुझे गुस्सा आ रहा है। आगे क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद मैं बैन बलीना के ऑफिस के बाहर से निकला। वो तब भी डेस्क के नीचे सो रही थी। मैंने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ओह क्यूटी, डांस करें, हम शानदार कपल है। मेरा गुना प्यार करना है। ओह क्या, सो जाओ बेस्टी। हाँ तो ये जिंदा है, सिर्फ सो रही है। हाँ ये उसकी बर्थडे टू डू लिस्ट है। क्या, पूरा दिन सोना? जो वो कर रही है, इसने कमाल कर दिया। कितनी अच्छी बात है, केस खत्म, हम मजे करेंगे, मजेदार पार्टी है। गिफ्ट? ना। गेस गेस गेस, जैसे कि कोई पेस्ट। ओ हागी, हे मेरे फजी दोस्त, कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले हो। हे ठीक है, किचन में आओ ब्रो। तुम भी आओ, आओ बैठो दोस्तों। वैसे यहाँ बस एक ही चेयर है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, क्या ये मेरे लिए है? वो क्या है? मामा लॉन्ग लेग्स मिया, एक गम बॉल। इसके अंदर शहर के हर हिस्से की च्युइंग गम है। रुको जरा, अब ठीक है। ये रहा मेरा गिफ्ट डैडी, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे डैडी। बर्थडे? और मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। वैसे कॉलेज में मेरे पास ये बॉल हुआ करती थी, आजकल गम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। हटो यहाँ से, उठो बैन बैन, ये मेरी जगह है। हैप्पी बर्थडे डैडी। वाव, ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, अंदर क्या है? एक गोल्डन एग। वाव, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैं इसे ऐसी जगह रख देता हूँ ताकि सब देख पाए। कौन है? ओ डैडी, मैं बस तुम्हें बुलाने आया हूँ, जल्दी करो। खैर दोस्तों, अब खाने की बारी है। सभी के लिए फ्रेश गम। यम यम। ओ पीला, तुम भी खाओ। नहीं चाहिए, मैं स्पेशल डाइट पर हूँ। क्या, मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि फ्राइड लेग्स कहाँ से आती हैं। ठीक है, मजे से खाओ दोस्तों। हगी, क्या तुमने पिछली हगी बॉल गेम देखी थी? उप्स, मुझे माफ करना। Absolutely.
मेरी अच्छी सेहत के लिए चीयर्स करो। ये हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। दोस्तों मैं एक सेकंड में आया, ऑफिस से फोन है, बात करनी होगी। उप्स, गम फंस गई है, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, उस तरफ जाओ। ठंड लग रही है, मैं अपना फर कोट लेकर आती हूँ। मेरा मतलब तूने पहले से ही फर कोट पहना हुआ है। क्या सब चले गए? क्या मैं अकेला हूँ? आह कोई बात नहीं, मैं सारी गम खुद ही खा लूंगा। हाँ? कुछ हुआ है? अंडा। क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा अंडा चोरी हो गया। इसके पीछे कौन है? ये है। नहीं ये है। रुक जाओ, मैं ये केस सुलझा लूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को पॉपी प्ले टाइम का बेस्ट डिटेक्टिव नहीं कह पाऊंगा। मैं पता लगा लूंगा कि तुम में से किसने मेरा कीमती अंडा चुराया है। उससे पहले मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा ताकि कोई भाग ना सके। दोस्तों क्या आपको डोर कोड याद है? नीचे कमेंट करें। मेरे नोट्स को मत देखो। शू हागी, अंडा तुमने चुराया है, अब मान भी लो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। क्या? ओपिला, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम सब पर शक है, पर मेरा कीमती अंडा चुराने में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ओपिला, बैन बैन, हगी वगी, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी चोरी किसने की होगी? चोर को ढूंढने में मेरी मदद करें और नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखें। हम तुमसे शुरू करेंगे हगी, तुम्हें एक लाई डिटेक्टर से जोड़ेंगे। अब मुझे सब सच बता दो। खैर थोड़ी देर बात करते हैं हगी वगी, मान जाओ। क्या टॉयलेट पेपर तुमने चोरी किया था? नहीं, झूठ। ठीक है, इसे वापस ले लो। हाहा, मुझे पता था। अगला सवाल, क्या तुमने स्लिपर्स को चबाया था? मैंने नहीं, ये झूठ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने गोल्डन अंडे को चोरी किया है? मैंने नहीं, नहीं मैंने नहीं किया। तुम सच बोल रहे हो, हे भगवान। पर डिटेक्टिव डैडी कभी हार नहीं मानता। तुम दोपहर के 3:05 पर कहाँ थे, मुझे बताओ। हे भगवान। चलो डैडी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे यहाँ निगरानी के लिए कैमरा है, तुम खुद देख सकते हो कि 3:05 पर मैं क्या कर रहा था। मैं फोन पर बात कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। खैर हमें एक चीज तो पता है, कमरे में से किसी ने तो मेरा गोल्डन एग चुराया है और अब वो सामने नहीं आ रहा। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये किसने किया है? ओह हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है। इनी मीनी माइनी मो, बैन बैन को जल्दी से पकड़ो। मेरा अंडा तुमने चोरी किया है? नहीं, वो मैं नहीं था। सारे सबूत तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, नाटक करना बंद करो ओपिला, इंसाफ जरूर होगा, चिंता मत करो। खैर तो ये सब ऐसे हुआ, हम मेरा बर्थडे मना रहे थे, तभी अचानक से हैप्पी बर्थडे डैडी, हैप्पी बर्थडे डैडी। खैर खैर खैर, घड़ी पर 3:05 का टाइम हुआ और हगी फोन कॉल करने के लिए गया। तुमने हमारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए बीमार होने का नाटक किया, तुम रूम से बाहर गए। मैं लिख लेता हूँ, तुम्हारे पीछे चलते हैं। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें हगी मिलेगा। पर फिर भी तुम रूम में गए, उसके बाद तुम्हारे अंदर का विलेन बाहर आ गया। तुमने अंडा पकड़ा, उसे पिलो में छुपाया। साफ है, और कहां छुपाओगे?
सोची समझी साजिश। फ्यू, डैडी, देखो मत, सब साफ है, ये बहुत आसान था। तो बैन बैन ने अंडा चुराया और उसे पिलो में डाल दिया। तुम एक मुजरिम हो। क्या? नहीं, झूठ मत बोलो मिस्टर, तुम चोर हो और मैं साबित कर दूंगा। ये रहा सबसे बड़ा सबूत, बैन बैन ने इसी पिलो में अंडा छुपाया था। ये क्या झोल है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने शायद सोचने में गलती कर दी। अगर हम बैन बैन और हगी वगी को भूल जाएं, तो शक एक ही जगह पर जाता है। ये ओपिला ने किया है। क्या? नहीं, मैं अपना खुद का अंडा क्यों चुराऊंगी? इसका जवाब बहुत आसान है। जवाब इस फोल्डर में है। प्यारी बर्ड, तुम्हारे पास अंडे के लिए $1,000,000 का इंश्योरेंस है। तो ये तुम्हारा मास्टर प्लान था, अपना अंडा खुद चुराना, पैसे लेना और दुनिया की सबसे अमीर बर्ड बन जाना। ये साफ है, वो तुम ही थी बर्डी। बर्ड्स लड़ना बंद करो, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हम बर्थडे पार्टी कर रहे थे। 3:05 पर हगी फोन कॉल करने के लिए बाहर गया। उसके बाद बैन बैन अपने पेट का मामला सुलझाने बाहर गया और ओपिला ने ठंड लगने का नाटक किया क्योंकि उसे अपने कपड़े बदलने थे। विश्वास नहीं हो रहा, मेरी तुम पर नजर है डैडी। तुमने जल्दी से हॉल में कोट पहना, पर आखिर तुम लिविंग रूम की तरफ क्यों भागी? इसलिए ताकि लेपर्ड के कपड़ों में तुम्हें कोई पहचान ना पाए। फिर तुम अंडा चुराने के लिए भागी। बिंगो, तुम इतिहास में पहली $1,000,000 बर्ड बनना चाहती थी। ओ, ना समझ बर्ड, तुम बहुत खुश थी। अगर तुम डैडी लॉन्ग लेग्स को हराना चाहते हो तो थोड़ा और चालाक बनना होगा। केस बस सुलझने वाला है। ये तुमने किया है ओपिला, सबूत यही इशारा कर रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं थी। लेपर्ड वाला सबूत, अब हमें बस अंडा ढूंढना है। वो बॉक्स में है? नहीं। ओ, सूटकेस में। यहां भी नहीं है, तो फिर बैकपैक में होगा। क्या, एक अमीर चिकन को कैसे ढूंढे? इसे वापस दो, ये पर्सनल है। ओपिला की थ्योरी भी गलत साबित हो गई। मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तो अंडा किसने चुराया है? जवाब हमारे सामने है। हम सब मिलकर सोचते हैं, अंडा अपने आप तो गायब नहीं हो सकता। बहुत हुआ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं बेकसूर हूँ और तुम भी। हम सबको घर जाना है। उठो और चलो दोस्तों। एक सेकंड रुको, ये क्या है? बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं। रुको, सब लोग वापस आओ। शायद ये किसी और ने किया है। किसी मिसी वो कैसे कर सकती है? ये अच्छा सवाल है। वो यहीं पर है, हगी वगी के अंदर। तुम भाग नहीं सकती बेबी। तुम्हारा खेल खत्म। किसी मुझे पहले से ही शक था। क्या, कोई भरोसेमंद नहीं है? ओह नहीं, मैं पकड़ी गई। जीनियस डिटेक्टिव डैडी लॉन्ग लेग्स तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ था। किसी मिसी की गोल्डन अंडे पर नजर थी और हगी वगी ने इसमें उसका साथ दिया। उन्होंने एक प्लान बनाया। किसी ने अपने आप को ब्लू बना लिया। उसके बाद उसने हगी वगी को फोन पर सिग्नल दिया कि सब तैयार है
और वो शुरू कर सकते हैं। जब ब्लू किसी ने सी फोन पर बात कर रही थी, तब असली हगी वगी अंडा चुराने के लिए कमरे में गया। शातिर प्लान था किसी, पर मेरे जितना शातिर नहीं, और मेरी बात को साबित करने के लिए ये रहा असली हगी वगी। हे, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम कुछ चोरी नहीं कर पाओगे। मेरे पास गम नेड है। बढ़िया टाइमिंग है, शुक्रिया। गेस्ट कहाँ है? सब चले गए, लंबी कहानी है। ओह, ये क्या है? ये मेरा गिफ्ट है। मेरे पास एक आइडिया है, चलो चलते हैं डैडी। मैं थक गया हूँ, बाद में चलेंगे। चलो भी, बहुत मजा आएगा।